नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करते हैं। दरअसल बीजेपी ने 2019 के चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस चुनावों की तैयारियों की शुरुआत में दो दिन के जम्मू के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंच गए हैं और जम्मू में जब अमित शाह पहुंचे तो यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए यहां हुजूम देखने को मिला। एयरपोर्ट पर ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनके स्वागत के लिए यहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। आपको बता दिया जाए, दो दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दो दिन के दौरे पर हैं। बीजेपी विधायक, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने मुलाकात की। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारियों को लेकर ही बीजेपी के चाणक के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, इनफैक्ट जम्मू के दौरे पर हैं। आपको बता दिया जाए, 2019 चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं बीजेपी की ओर से और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दो दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनता का हुजूम देखने को मिला। अमित शाह का स्वागत किया गया फूल मालाओं के साथ। अमित शाह के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह का काफिला शहर से होते हुए सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ लेह लद्दाख के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसमें पुरुष, महिलाएं सब मौजूद रहे। भारी संख्या में काफिला नजर आया।